डी ए स्टूडेंट्स पर्सनल सेफ्टी के कुछ अस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबसे पहले ये देखना लाजम है कि रेशनैल क्या है रेशनैल फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू ग्रेगर लो प्रॉफिट्स टू मैनी प्रोडक्ट्स डिफेक्ट्स एंड स्ट्रीप वर्कर्स कंपनसेशन एंड मेडिकल कास्ट फॉर हर ट्रिंग द कंपनी अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये चार चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस का बायस बनेगी इस एंगल में इन चीज़ों को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है अब अगर रैशनल सेफ्टी फॉर हेल्थ ट्रेनिंग को मज़ीद देखा जाए तो इसमें इस चीज़ को देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हैज़र्ड्स हैं हैज़र्ड्स हैं कम्युनिकेशंस में या फ़िज़िकली हैज़र्ड्स हैं या सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं है या प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किए गए तो इसका क्या नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की सेफ्टी स्टेक पे होगी और एम्प्लॉय की सेफ्टी ना होने की वजह से ये चीजें एक्सीडेंट का बायस बनेंगी। वर्कर्स हु हैव नॉट बिन ट्रेन टू परफॉर्म जॉब सेफली आर मोर लाइकली टू हैव एक्सीडेंट ये है इसका आउटकम अगर एम्प्लॉय को ट्रेन ना किया जाए या एम्प्लॉय का एटीट्यूड ना हो ट्रेनिंग का या उनका बिहेवियर कैजुअल हो तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सम ऑफ द रीजन वर्कर्स हैव नॉट गिवन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन द ऑपरेशन बात ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इंप्लाई को इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती मिस अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दी गई लेकिन अंडरस्टैंड नहीं किया गया नॉट लिस्ट टू द इंस्ट्रक्शन नॉट लिस टू द इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से सुनी नहीं है कंसिडर्ड द इंस्ट्रक्शन इधर अनइम्पॉर्टेंट और अननेसेसरी ये चीज़ अक्सर देखी गई है कि जब इम्प्लाई जॉब का हिस्सा बन जाता है तो उसके बाद अपनी ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता चीज़ों को इम्पोर्टेंस जब वो नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा अननेसेसरी वहाँ पे आर्गनाइजेशन के काम को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी जब ऑर्गेनाइजेशन के काम को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उस कैसटो को आप फॉलो नहीं करेंगे और जब एस ओ पीज इग्नोर होंगे या वायलेट होंगे तो वहाँ पर आर्गनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट्स के इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे डिस रिगार्डेड द इंस्ट्रक्शनस ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग इंस्ट्रक्शनस को वेटेज नहीं दे रहे जब इंस्ट्रक्शन को वेटेज नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोग्राम कम्प्रोमाइज होंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं एम्प्लॉय को एजुकेट करना चाहिए ट्रेन करना चाहिए और उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए ट्रेनिंग देनी चाहिए अगर कोई इम्प्लाई फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है तो उसको टेक्निकल स्किल ज़्यादा रिक्वायर्ड है उसकी ट्रेनिंग का फोकस टेक्निकल स्किल पर होना चाहिए अगर कोई इंप्लई मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है तो उसको ह्यूमन स्किल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अगर कोई इम्प्लाई टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है तो उसको कंसेपचुअल स्किल की ज़्यादा नीड है इन चीज़ों को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंप्लाई को एजुकेट किया जाए और उनको ट्रेन किया जाए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स दुनिया में आपको मालूम है डी स्टूडेंट्स कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कुछ कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन हैं सी एफ आर कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन में इस चीज़ को बयान किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी किस किस्म के स्टैंडर्ड्स होंगे जिनको फॉलो किया जाएगा और उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लाई को ट्रेन किया जाता है फॉर एग्जाम्पल जनरल इंडस्ट्री पार्ट वन नाइन वन जीरो

जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो कोड फॉर रिक्वायरमेंट्स के आपके हैं अब यहाँ पे जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है सी एफ आर इन देखते हुए डी स्टूडेंट्स इम्प्लाई को हमने ट्रेन करना है आल्दू के जनरल ट्रेनिंग भी उसको रिक्वायर्ड है उसके बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए वो बंदा मोटिवेटेड हो वो बंदा कमिटेड हो डेडिकेटेड हो विजन वाला हो एक्सपोजर रखता हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लायल हो लेकिन जॉब के रिलेटेड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट को फर्दर देखा जाए तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इसको मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा अब वो स्पेस जहाँ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं यूज़ किए जाते वहाँ पे इंजरी के चांसेस वर्क स्ट्रेस के चांसेस ज़्यादा होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेस्परेटरी प्रोटेक्शन सांस लेने के लिए अभी हमने पहले आपको बयान किया था कि सम टाइम अगर आपकी जो इन्वामेंट है वो क्राउडिड है तो वहाँ पे चांसेस है कि आप मेंटली फिजिकली अनकंफर्टेबल फील करेंगे जब आप लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे ऑटोमेटिकली इट विलीड्स टू वर्ड जॉब स्ट्रेस जब जॉब स्ट्रेस होगी तो ऑटोमेटिकली इम्प्लॉज की परफॉर्मेंस मुतासर होगी अगर इसको फर्जर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं स्पेसिफिक कोड फॉर लॉज हैं अगर स्पेसिफिक कोड को इम्प्लॉई को गाइड कर दिया जाए और उसकी रिक्वायरमेंट बयान कर दी जाए और स्पेसिफिक उसके लिए एस ओ पीज बना दिए जाए तो काफ़ी हद तक आप ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को अचीव करने का बायस बनेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट लेबॉर्टरी सेफ्टी या लेडर एंड स्टेयर वेज अब यहाँ ये जो लेडर्स है स्टेयर वेज है या लेबॉर्टरी सेफ्टी है इनके स्पेसिफिक लॉज हैं इनके अंदर मुकम्मल डिटेल में बयान किया गया है कि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी हाउ यू विल हैंडल द सिचुएशन प्रैक्टिस कैसी होंगी एमरजेंसी प्रोसीजर क्या होगा केमिकल हैज़र्ड्स क्या होंगे इनको कवर कैसे करेंगे मैनेज कैसे करेंगे कोपअप कैसे करेंगे इनको सॉल सॉल्व कैसे करेंगे इन सब चीज़ों का जानना डी स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जो सब्जेक्ट है इसकी सिग्निफिकेंस ही ये है कि आप इन सब चीज़ों को डिटेल में जानें और डिटेल में जानने के बाद इनकी प्रैक्टिस करें और ऑर्गेनाइजेशन को सेफ इन्वायरमेंट में काम करने का मौका दिया जाए ट्रेनिंग प्रोग्राम एनी पर्सन वर्किंग इन अ सरफेस माइन अ सरफेस एरिया ऑफ एन अंडरग्राउंड माइन हु इज एंगेज इन द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस इज रेगुलरली एक्सपोज टू माइन हैजर्ड्स और हु इज़ मेंटेनेंस अ सर्विस वर्कर यहाँ पे क्या बयान किया गया है कि अगर आप माइंड में या किसी जगह पे जा रहे हैं काम के लिए जो कि अंडरग्राउंड है या इसके अलावा किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है ओपन सर्फिस नहीं है वो तमाम जगह एम्प्लॉ को एक्सपोज की जाए दिखाई जाए बयान की जाए बताया जाए उसमें जहाँ जहाँ हैज़र्ड्स हैं वो बयान की जाए ताकि वो एम्प्लाई अच्छी तरह से अपने वर्किंग एनवामेंट के साथ फेमिलियर हो जाए फिर उसके रिजल्ट्स एंट्रली डिफरेंट होंगे अब यहाँ पे अगर देखा जाए एम एस एच ए डिफाइंड एक्सपीरियंस माइनर पैराग्राफ फोर्टी एट पॉइंट टू टू ये जो मैंने अभी बोला है पैराग्राफ फोर्टी एट पॉइंट टू टू इसमें लिखा हुआ है कि जो माइनर वर्कर है उसका एक्सपीरियंस क्या होगा अब वो जो माइनर वर्कर है अब दो चीज़ें हैं माइनर अगर अंडर द एज ऑफ एटीन है तो उसको हम जॉब पे ही हायर नहीं करेंगे अब वो लोग जिनका एक्सपीरियंसड है या माइन में काम कर रहे हैं तो माइन में काम करने वाले का कितना एक्सपीरियंस होगा अब कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इम्प्लाई की रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की बहुत इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि अगर अनएम्प्लाइड अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर है तो उससे वो रिज़ल्ट अचीव नहीं किए जा सकते जो कि एक, एक एक्सपीरियंस वर्कर से रिज़ल्ट अचीव किए जा सकते हैं इसलिए हमारा फोकस ये है कि एम एस एच एन ने ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी ट्रेनिंग किसी एम्प्लई के लिए रिक्वायर्ड है उतनी मिनिमम ट्रेनिंग उसके पास हो अगर उससे ज़्यादा है तो ये बेटर समझी जाएगी